All right, Minister Anurag Thakur late last night had done a press briefing and has assured the farmers of this stir that there is going to be more interactions and ensuring schemes for the farmers. This is Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur, who has said, and I quote him here, Modi government is working for farmers' welfare. Farmers suffered in the UPA era. We are always ready to talk to the farmers and we give maximum amount for the minimum support price already. So, Minister, remember, with 4 to 5 round of talks that have happened, 4 specifically, 5th, remember, with the deliberation is still on for those talks, and has said that we are always ready to talk and interact with the farmers. We have been giving the maximum amount for the minimum support price. The farmers suffered maximum in the UPA era, bringing the UPA analogy here of the previous government. Minister says we have done so much for the farmers. Listen in to what the Mantri said. हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया है। आज भी हमारा एमएसपी दुनिया भर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा में से एक है, सबसे ज्यादा ही है दुनिया भर में। बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने यूपीए सरकार से दाम भी लगभग दुगने और खरीद भी दुगने से ज्यादा करने का काम किया है। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है। कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है, और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। अगर मैं केवल पिछले 4-5 सालों का भी उदाहरण दूं तो सन 2019-20 ये जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 75,854 करोड़ रुपया किसानों को मिला, किसान गन्ना किसानों को, और 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपया मिला। 2021-22 में 1,18,618 रुपये मिले, और 2022-23 में 1,14,005 रुपये मिले, और ये लगभग 99.9% पैसा इनके खाते में सीधा चीनी मिलों द्वारा दिया गया। Let me bring in Himanshu Mishra for the latest on that. Himanshu, good morning. ये भी दर्शाता है कि जो सरकार है उसने बात करने का जो दरवाजा है वो खुला रखा है, because 4 round of talks have failed to say that we are also ready to talk for the 5th required. But the fact is, Himanshu, situation ground पे worsen होते जा रही है। अगर सरकार जल्द ही एक decision नहीं लेगी to talk to the farmers, so this protest can be taken back. देखिए, बिल्कुल कुजग जो है सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है, और न सिर्फ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बल्कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कल यही कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है वो रास्ता निकाला जाए। लेकिन कल देर रात जब कैबिनेट की बिल्कुल ही अनुराग ठाकुर ने, तो उन्होंने ये भी बताया कि यूपी के समय जो है कितनी एमएसपी दी जाती थी और हमारे टाइम पे कितना एमएसपी दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जो है कभी भी एमएसपी को जो है वो बंद नहीं करने वाली है। लेकिन जो किसानों की मांग है वो ये है कि एमएसपी को जो है वो एक कानून बना दिया जाए जिसपे एमएसपी से नीचे अगर कोई फसलों को खरीदता है तो उसके ऊपर जो है केस रजिस्टर हो सके। सरकार इसको लेकर जो है वो तैयार नहीं है, और इसीलिए जो है किसानों के साथ अभी तक जो है 4 राउंड की जो बातचीत हुई है वो फेल हो गई है। और किसान भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको बातचीत करनी है तो एमएसपी पे कानून बनाइए और बाकी जो हमारे 2 अन्य मांगे हैं इसको भी मानिए। लेकिन सरकार की तरफ से इन तीनों ही चीजों पे कोई एश्योरेंस ना आने की बातचीत जो है किसान अब आगे के राउंड के लिए बातचीत के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। Himanshu, thank you for updating us this morning and keep tracking the latest on that. Thank you very much.